अभी आप लोग काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये 5 लाख रुपए का जो लोन ऑफर आया है आखिर में ये मिलेगा कैसे। देखिए जो लोन अमाउंट है वो हालांकि भले ही 5 लाख रुपए का है, लेकिन इस लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको किसी तरह की कोई इनकम प्रूफ नहीं देनी पड़ेगी, सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सिविल स्कोर बेटर होगा तो दिस इज द लोन एप्लीकेशन, 100% आपको लोन प्रोवाइड करेगी। और ये इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको ऑफर का वेट करना होगा। हालांकि देखिए ये स्क्रीनशॉट मेरा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको और भी स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, 2,30,000 रुपए का और ये है 5 लाख रुपए का। तो हमारे अलग अलग जो सब्सक्राइबर है उनको उनके सिविल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफर शो हुआ है, बट मेरे को अभी ऑफर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ देन ये ऑफर जो है आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। तो मैं इसको अभी बैक कर देता हूँ, दोबारा से इसको एक बार फिर से अगेन ओपन कर लेते हैं। देन ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मनी प्लस का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही क्लिक करोगे तो जो ऑफर है वो आपको यहाँ पॉपअप पे शो हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है गेट लोन इंस्टेंट अप टू 5 लाख रुपीज, मतलब 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, नो इनकम प्रूफ, ईएमआई जो रहेगी आपकी 12 से लेकर 60 महीने तक की, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि यहाँ पे 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हालांकि 14, 15, 16 पे पर्सनल लोन मिलता है और प्राइवेट कंपनी में तो 19, 20, 24, 25 भी चला जाता है, बट बैंकों में अगर आप अप्लाई करते हो, हालांकि बैंक से ही मिलेगा आपको क्योंकि इनके जो लेंडिंग पार्टनर है वो हमारे एक्सिस बैंक है। अब देखिए यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको कंटिन्यू करना होगा, देन मैं यहाँ पर एक बार कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है मेरा पैन कार्ड इन्होंने कैप्चर कर लिया है, हालांकि मैंने पैन कार्ड डाला नहीं था लेकिन फिर भी पैन कार्ड आ गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट करता हूँ, देखिए आप लोग खुद देख लीजिए। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, ओके। तो ये थोड़ा सा भी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो फ्लिपकार्ट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो आपके आधार पे भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ यू आर कंटिन्यू मेक श्योर यूर फ्लिपकार्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इज द लिंक टू यूर अकाउंट। मतलब कि ये जो फ्लिपकार्ट का जो नंबर है आपका जिसमें आप लॉग इन कर रखो, क्या ये आपके आधार नंबर से भी रजिस्टर है या नहीं, ये साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आप लोग यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो इस फ्लिपकार्ट लोन एप्लीकेशन से, तो भाई इसके लिए आपको पहले तो शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी बहुत ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट वोडक्ट मंगाने होंगे, कंटिन्यू शॉपिंग करना होगा, तब जाके ये ऑफर जो है आप लोगों को आ सकता है, ठीक है, ओके। सो फाइनली जो है मैं भी वीडियो को यहीं स्किप करने वाला हूँ। बाय द वे इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।